तो आ चुके गाइस एक और नए आज के गेम प्ले वीडियो में। आज के गेम प्ले वीडियो में काफी इंटेंस फाइट होती है और उतरते देख रहे हो गाइस कितनी अच्छी किस्मत है, कितनी बेकार गन मिल रही है पीपी और थॉमसन। इन गनों पे मैं बिल्कुल भरोसा करता नहीं और हाथ में आते मैं कहता भाई कितनी बेकार गन है ये, पर गन बेकार थी, किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी। हाँ ये उतरते ही तीन बंदे मारे बे, किल दो ही मिला बे। रुको गाइस आराम से हेल्थ मारते हैं, यहाँ पे तीन नंबर चंचला रहा है और सामने एक बंदा भग जाता है तो मैं से पीछे बिल्कुल नहीं जाता। तीन नंबर जैसे खुले में जाता है इसकी पेटी भरते दो बंदे जो सामने आते हैं उनमें से एक बंदा, दो बंदा नॉक हो गया, बचा लास्ट बंदा। लास्ट बंदा जैसे अपने टीममेट को बचाने तो आता है, हाँ ये खुद की पेटी बना बैठता है। यहाँ पे मैं आराम से लूट करता हूँ भाई, देखो पेटी ही पेटी कुछ सेकेंडों में किल ही किल और पेटी ही पेटी। तो यहाँ पे मैं आराम से लूट करता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता क्योंकि अभी अभी यहाँ पे एंशिएंट टेम्पल में साले चमगादड़ भी आ गए जो पता नहीं क्यों मेरे को ही डैमेज करता है। जैसे डैमेज की बात कर ही रहा था रैंडम टीममेट किल के चक्कर में एक बंदे से फिल जाता है, पर यहाँ पे जैसे तैसे मैं इस बंदे को नॉक कर देता हूँ। बारी थी अपने टीममेट को बचाने की, पर उससे पहले थोड़ा हेल्थ मारेंगे उसके बाद रैंडम टीममेट को। ये क्या ही अबे साला रेड डॉट नहीं है इस छेद से तो कुछ दिख ही नहीं रहा गाइस। अब इस छेद को बड़ा कर देते हैं, बड़े छेद से छोटे बंदे को नॉक कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं टीममेट को अभी भी रिवाइव बिल्कुल नहीं करता हूँ, कहता हूँ गाइस 1v4 क्लास दिखाता हूँ तेरे को उसके बाद रिवाइव करता हूँ। रैंडम टीममेट भी कहता कुछ बिल्कुल नहीं है, मैंने बोला चलो कुछ कह नहीं रहा था उसे क्लास दिखाई देते, क्लास दिखाने के बाद कहेगा गाइस क्या ही तूने 1v4 करके मेरे को बचाया। तो ये बंदा काफी ज्यादा ढीठ होता है, आता नहीं है, तो जैसे तैसे नेट करता हूँ फिर आ ही जाता है, आते आते इसे नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे बचे बस दो बंदे, दो कहो या एक। अबे बे ये डैमेज कौन दिया बे, अबे नंबर तीन आ रहा हो बे रिवाइव करने, टेंशन मत है, बस लास्ट बंदे को क्लच दिखाऊं। अबे बे क्या कैसे फेल गया बे, नंबर तीन कह रहा होगा साला क्लच दिखाने के चक्कर में बे अब मेरे को कौन बचाएगा, साले तेरे को बचाने से पहले मेरे को कौन बचाएगा ये तो बताओ। मैंने यहाँ पे दो तीन बंदे नॉक कर दिए उसके बाद भी नंबर तीन अभी तक जिंदा था, कितनी हेल्थ लेके बैठा था नॉक हुए में। अबे बे आई गया गाइस, वो तो अच्छा हुआ गाइस मेरे पास कीड़ा था और वो कीड़ा इनकी मौत का और मेरे रिकॉल का जरिया था, पर जैसे तैसे वहां जाने तक का भी रात हो जाती। रात तो क्या होती गाइस, दो बंदे बचते अगर मैं वहां तक प्लेन का वेट करता, मैं आधे रास्ते में कूदता हूँ और एंशिएंट टेम्पल में लूट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छी खासी लूट होती है। पर जब एंशिएंट टेम्पल में बंदे बिल्कुल दिखते नहीं, मैं फिर से कूद जाता हूँ गाड़ी की तलाश में और बंदों की तलाश में। अब जैसे तैसे गाड़ी मिलती है हम सीधे पहुंच जाते हैं अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट में बंदे ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, और हम उन बंदे को ओके करके पहले ऐसा हम होने देंगे गाइस, नहीं होने देंगे तो क्या भाई पिल जाएंगे खुद ही। अब गाइस यहाँ पे एक बंदा कैम्प कर रहा होता है, जैसे मेरा टीममेट ऊपर जाता है वो कूदता है नीचे और मेरी गाड़ी लेके भाग रहा था, पर गाड़ी लेके तो मेरी भाग रहा था पर स्किल काफ़ी ढीली थी जो कच्ची सड़क में इस बंदे को मैं गिरा देता हूँ। अब लगे आते इसकी पेटी में बना देता हूँ, इतने में एक लैम्बोर्गिनी वाला बंदा सामने आता है और उतने तेजी में मैं यहाँ से भागता हूँ। वो तो अच्छा दो बंदे ने मुझे स्पॉट बिल्कुल नहीं करा, अगर ये स्पॉट करते तो मैं तो खुले में ही पिट जाता बे। तो गाइस आराम से रिलोड करते हैं, आराम से फाइट लेंगे, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कितने बंदे कोई आइडिया बिल्कुल नहीं, ऊपर दो बंदे कैम्प कर रहे हैं और नीचे दो बंदों का फुट आ रहा, तो एक मॉली देते हैं क्या पता मॉली से चल के नॉक हो जाए, बट ऐसा आज तक हुआ है जो अब होगा। तो गाइस मैं नेट फिर से ट्राई करता हूँ और नेट भी गाइस आज तक फटा है, जो मतलब फटता तो मतलब बंदा बिल्कुल फटता नहीं है जो आज तक फटेगा। अब जैसे सामने की तरफ जाता हूँ बंदा कैम कर रहा होता है, अब इसे जैसे ही नॉक करता है उसका टीममेट क्या ही बचाने आता है ऐसे, और उसे भी कर देता हूँ काफी इजिली नॉक। अब भाई मेरी एचपी जाती काफी कम और यहाँ पे दो बंदे होता है, जब मैं पीछे देता हूँ भाई पूरी फौज एकदम बटालियन आ रही है, मेरे टीममेट गाइस क्या ही टाइमिंग पे मुझे बचाने आ ही जाते हैं। फिर क्या था जैसे टीममेट बचाने आते हैं फिर आराम से एकदम चौड़ी में फाइट लेने जाते हैं। अब यहाँ पे फाइट में आता है ट्विस्ट, दो बंदे ऊपर कैम्प कर रहे हैं और जोन काट रहा है काफी तगड़ा, और यहाँ पे रैंडम टीममेट किल की तलाश में करने लगते हैं अंधा रस। मैंने बोला क्या है भाई करो अंधा रस, नॉक हो गए तो फिर क्या है, जैसे कहता हूँ नॉक एक बंदा हुआ एक बंदा नॉक हो ही जाता है। मुझे लगा एक बंदा और ऊपर कैम्प कर रहा है, मैं जैसे ही नीचे आता
तो देखो गाइस, इसलिए मैं अंधे रस बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि अंधे रस के चक्कर में तुम्हारे किल तो जाते ही जाते हैं, कभी कभार पेटी भी बन जाती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लेने के लिए नेट फेंक देता हूँ। तुम कहोगे साले तेरे नेट से तो कुछ होता नहीं, हर बार यहाँ वहाँ फेंक देता है। मैंने बोला गाइस थोड़ा टाइम मिल जाएगा, अबे थोड़ा टाइम तो मिला और एक किल भी मिल गया गाइस। तो गाइस ये प्री प्लान था, एकदम मैथ लगाया था मैंने, एकदम साइंस लगाए थे। यहाँ पर ये साइंस लगा कि एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट साइड ऑफ डायरेक्शन। गाइस समझ गए ना गाइस कौन सा रूल था गाइस? अब वो रूल छोड़ के गाइस हम यहाँ से भागते, अगर ज्यादा रूल का वेट करेंगे तो बंदों के फाइट लेने से पहले जोन हमें काट देगा। और यहाँ पे रैंडम टीममेट काफी देर लूटने के बाद हम चलते हैं जोन में, और जोन में हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है, और उस गाड़ी के पंचर ठीक कराने के लिए खुले में कुछ बंदे हमें पेलने लग जाते। तो गाइस एक बंदे को मैं नॉक कर देता, और इतने में मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है कि मैं खुद को भी बचा लूं और रैंडम टीममेट को भी। तो एक स्मोक करता हूं आगे और एक स्मोक करता हूं पीछे, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा गाइस, बंदा कंफ्यूज होगा तो देखते हैं कंफ्यूज होता है या फिर नहीं, या मारेगा तो देखते क्या ही हो सकता है। अब यहाँ पे नंबर दो काफी गलत डायरेक्शन में, अच्छा नंबर दो नहीं है नंबर एक था भाई, तो मतलब नंबर दो भी गाइस काफी गलत डायरेक्शन में। अब नंबर एक को तो बचा सकते नहीं है, इतने में एक हमारे मैक्लेरन लेके जा रहा होता है। ये तो इतनी डैमेज थी गाइस, डैमेज मैक्लेरन जैसे चला रहा होता है मैं काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, और डैमेज मैक्लेरन को जैसे फोड़ता हूँ इस बंदे का भी क्लिप मिल जाता है काफी इजीली। अब मैं कह ही रहा था नंबर एक को तो हम बचा बिल्कुल सकते नहीं है, बट देखते गाइस क्या कर सकते हैं। हाँ ये खुले में लेट के गाइस पूरा एंगल बना रहा था मेरे ऊपर, वो तो अच्छा मैंने पीक देके काफी इजीली इसे नॉक कर दिया, बट जैसे फिनिश करने लगता वो बंदा जाग चुका था कवर में और स्मोक में। यहाँ पे कुछ दिखता बिल्कुल नहीं है, पर जैसे तैसे मैं कोशिश करता हूँ कि बंदा नॉक हो जाए फिर से, पर बंदा दिखता ही नहीं है। इतने में जैसे मैं कवर में जाता हूँ टीममेट नॉक हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा था नंबर दो भी गलत पोजीशन में है गाइस। अब जैसे मैं नंबर दो का किल फिनिश करता, यहाँ पे उसका टीममेट काफी देर से गाइस पीक लेके बैठा था और मुझे भी करता काफी ज्यादा डैमेज। अब जैसे वो गाड़ी लेके निकलते मुझे एक बंदा देखता जो ऊपर से कूदता, ऊपर से कूदा तो था जिंदा पर नीचे पहुंचा नॉक होके। अब उसे जोन से पहले मैं फिनिश कर देता, और यहाँ पे जो दो बंदे थे वो तो निकल जाते हैं जोन की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल नहीं थी, पर गाड़ी तो मिली पर फ्यूल गैस उसमें बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पे बॉट फायर देके मैं बंदे बुलाता हूँ, बंदे तो नहीं आते पर एक बॉट आता है जो 250 की स्पीड से गाड़ी चलाता हुआ। हाँ ये ड्रॉप शॉट के साथ इसी बंदे को मैं कर देता हूँ नॉक फिनिश। अब यहाँ पे कुछ बंदे थे अपार्टमेंट की तरफ, अपार्टमेंट की तरफ नहीं, अपार्टमेंट वाले बंदे थे स्क्वाड हाउस की तरफ जो कैंप कर रहे थे काफी देर से। अबे ये कौन है पे स्क्वाड हाउस से गाइस? ये गाइस जो स्नैपर वाला बंदा है ना, काफी तगड़ी स्नैपर चला रहा है, इसे M4 से नहीं इसे DP से मारना पड़ेगा। तो गाइस DP ले लिए मैंने अब रैंडम टीममेट से। आप देखो DP का जो स्प्रे मारूंगा ना इसे, इसे पता भी नहीं चलेगा ये नॉक कब हो गया और फिनिश हमें नहीं पता चलेगा। अबे दे रहा है गाइस। तो गाइस हमें दिक्कत हो रही थी 6x से, अब हमने 4x ले लिया। तो गाइस नॉक करते हैं पहले इन बंदों को, और इन बंदों को नॉक करना और सामने वाले स्नाइपर से भी बचना है। देखो गाइस तुम्हारे भाई की स्किल और स्प्रे रुके नहीं रुकता गाइस। अब देखो यहाँ पे इस बंदे को नॉक कर दे, फिनिश करते अबे फिर पेल दिया बे गाइस। अब तो 4x भी काम नहीं आ रहा इस स्नाइपर वाले बंदे के सामने, पता नहीं कहाँ से पीक लेके मार रहा है, कोई आइडिया नहीं गाइस कहाँ से मार रहा है। तो गाइस अब हम एक चीज़ तो समझ चुके कि चाहे हम DP में 4x चलाए या 6x चलाए तो स्नैपर वाले बंदे का गाइस हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक चीज़ कर सकते हैं, स्मोक ही स्मोक कर सकते हैं और स्मोक से जोन में जा सकते हैं गाइस। अब यहाँ पे जो बंदा नहीं गाइस, जो बॉट आया था बाइक लेके, उसकी बाइक लेके हम जाते हैं जोन में। और जोन में जैसे जाते हो सेंटर इस अपार्टमेंट का हो या घर का हो, इसके अंदर जैसे ही जाते हो यहाँ पे दो बंदे कैंप कर रहे होते हैं। जैसे ही एक नेट कुक करके मैं यहाँ पे फेंकता हूँ, उस बंदे को साउंड आ जाता है कि मैं नेट करता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे डबल नेट प्रयास करता हूँ गाइस यहाँ पे गलत ही सीन हो जाता है। यहाँ पे गाइस नेट जरा सा पिंक फ्लक्चुएट हो गई थी, जिससे मैंने जितने बार डबल टैप करा नेट इसने हाथ से छोड़ा ही नहीं, और उसके बंदे ने गाइस हमें छोड़ा नहीं, और यहाँ पे हमारे टीममेट इसे नहीं छोड़ा, और जिसने मुझे नहीं छोड़ा उसने मेरे टीममेट को भी नहीं छोड़ा। तो गाइस आज के गेम प्ले में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।